प्रैक्टिस, ठीक है? अगर कुछ दिक्कत आए सो आई एम हियर, ओके? ठीक यस है, चलो. इतने रिवाइज करो आप, सो दैट मुझे अभी 2-3 मिनट में जो भी 11 दिन का अपडेट होता है, एंड आफ्टर दैट विल बी ज्वाइन स्टार्टिंग द क्लास, ठीक है? आप इतने रिवाइज करो. यस सर। चलो लेट्स. सो सिमरत, आपको वो आज होमवर्क मिल जाएगा ना, जस्ट अ सेकेंड, तो आप उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? हम यस लोग इतने आगे का कंटिन्यू करते हैं, सो दैट, ठीक है? देखते हैं कुछ आगे की क्वेश्चंस, ठीक है? सो जस्ट लेट मी टेक सम क्वेश्चन. आई थिंक गैल्विन ज्वाइन नहीं करेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हो गए, अब तक ज्वाइन कर लेते हैं गैल्विन साहब, कोई बात नहीं है. लेट्स यस हम लोग वो करते हैं, क्योंकि देखो आपको मैंने मना किया है, स्टिल लाइक इतने इरिस्पॉन्सिबल हो गए, क्लास मिस करना इट्स नॉट गुड. अच्छा, आपका एक बार सुमित, वॉल्यूम वाला टॉपिक कवर हो गया था आपका पूरा कंप्लीट, जो मैंने किया था? नहीं, हाँ नहीं हुआ था ना, सरफेस एरिया कंप्लीट कर लिया था ना मैं, हमने जी, तो वॉल्यूम कर ले कवर अगर आपका हाँ हो जी, तो. क्योंकि हाँ जी, देखो मैं अब स्टार्ट कर, देखो मैं इसलिए नहीं कह रहा, अगर आप कहो तो मैं अभी क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, बट वही होगा कि नो गैल्विन और आप फिर अलग अलग स्पीड पर आ जाओगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपका वो टॉपिक मिस भी हो रहा है इतना, अगर गैल्विन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वी कैन डू दैट टॉपिक, ठीक है? कर लें, चलो यस ठीक है, ठीक. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर.
है देखो, देखो वॉल्यूम आपको पता ही है, ठीक यस है? तो उससे रिलेटेड अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिगर में बता देता हूँ आपको। क्योंकि देखो हम लोगों ने वॉल्यूम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, तो वॉल्यूम का आपको आइडिया हो गया होगा कि वॉल्यूम बेसिकली क्या चीज़ है, या नहीं, या फिर कुछ लाइक इज देयर एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू सिमरन? नो आई वॉन्ट बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू सिमरन, बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल एंड यू कैन, ठीक है? आपके बाद अच्छे यस से परफॉर्म करना है आपने। आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह भी होंगे रिसेंटली? या इट्स ऑन सिक्स इट्स ऑन सिक्स क्या चाहिए, लाइक किस कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? सिर्फ सरफेस एरिया क्वाड्रिलैटरल्स एंड स्टैटिस्टिक्स ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, डू यू रिमेम्बर? आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला, शायद से मैंने आपको बताया था। इफ नॉट देखो, यहाँ देखो, वॉल्यूम ऑफ इट इज इक्वल्स टू पाई आर यस स्क्वायर एच, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर? अच्छा, गैल्विन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो हम लोगों ने कोई मसला नहीं है। हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्योंकि देखो अब मुझे स्पेसिफिकली आपको देना ही पड़ेगा टाइम, अब गैल्विन नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग ये टॉपिक ही कवर कर लेते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसके यस न्यूमेरिकल्स लेने दो। आप 9th क्लास मैथ्स एंड सीआरटी, और क्या था, कौन सा चैप्टर है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जस्ट अ सेकेंड सुमित, लेट मी टेक द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मुझे समझ नहीं आता मिडिल ईस्ट स्कूल्स में इतना ज़्यादा लाइक इतना रैंडमनेस क्यों है। लाइक कुछ स्कूल्स में लाइक अभी मतलब ये सिर्फ मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स वगैरह में भी बहुत रैंडमनेस, लाइक सीबीएसई ने जब ऑमिट कर दिया, तो आई डोंट नो लाइक व्हाट्स व्हाई दे आर फॉलोइंग। एग्जैक्टली यही मुझे समझ नहीं आता व्हाई इट्स देयर। एटलीस्ट उनको सीबीएसई के पैटर्न से चलना चाहिए, क्योंकि देखो यस आपके सिलेबस में है ये, गैल्विन के सिलेबस में नहीं है। देखो रैंडमनेस आ गई पहली चीज। अभी रिसेंटली मेरे बैच में मैंने एक मतलब अभी मैंने फिजिक्स का एक बैच लिया था, वो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट थे, और जो मेरे स्कूल के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, उनके उनके सिलेबस में वो चीज़ है जो सीबीएसई ने ऑमिट की हुई है। अब आई डोंट नो कि सीबीएसई लाइक स्कूल्स स्पेसिफिक पैटर्न क्यों चल रहे हैं, जब वो सीबीएसई में नहीं, तो उनको पढ़ाने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि स्कूल एग्जाम तो देखो क्वेश्चन तो आना नहीं है उनसे, एग्जैक्ट
सीबीएसई ने अगर मना कर दिया दैट दिस चैप्टर इज नॉट देयर, सो नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एट एनी कॉस्ट. ठीक है, चलो ये देखो. एक टेम्पल है बेसिकली, टेम्पल के पिलर्स है बेसिकली, वो सिलेंड्रिकल शेप के. यू कैन सी पिलर जो होता है हमारे सिलेंड्रिकल होता है या क्यूबॉइडल होता है. ठीक है, दो ही शेप होती है हमारी. तो ये चैप्टर, ये एक पिलर का जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर का है और हाइट जो है 10 मीटर की है. एंड हाउ मच कंक्रीट मिक्सचर शुड बी वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक सच 14 पिलर्स. ऐसे देखो, सो सिंपल सी बात है. अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिलर है, पिलर की जो हाइट और विथ लाइक हाइट एंड रेडियस इज गिवन. इट मींस दैट अगर हमें एक पिलर बनाना है तो एक पिलर बनाना है तो उसका हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा ना, कितना मटेरियल चल यूज हो रहा है उसमें. देखो पिलर क्या होता है, पिलर देखो, पिलर इज नथिंग बट एक हमें स्ट्रक्चर तैयार करते हैं मेटल का अराउंड इट, और उसके अंदर हम क्या फिल करते हैं, कंक्रीट मिक्स करते हैं, तभी तो ये स्ट्रक्चर तैयार होता है ना. आपने कभी देखा कंस्ट्रक्शन वर्क ऐसे होते हुए? तो ऐसे मेटल के फ्रेम्स रेडी कर देते हैं अराउंड अस बेसिकली. इस जो होती हैं स्टील्स बार होते हैं उनको ऐसे फिक्स कर देते हैं और उसके अराउंड एक मेटल स्ट्रक्चर वो रेडी हो जाता है. वो लाइक जैसे आपने गेट देखे होंगे, स्टील गेट जो आपके बड़े बड़े आयरन गेट होते हैं उसी टाइप का होता है, और उसमें कंक्रीट फिल कर देते हैं. आफ्टर 2 to 3 days या 4 days उसको जब ओपन करते हैं, तो बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रक्चर निकल के आता है पिलर का हमारा. ठीक है, हाँ. सो बेसिकली सो इस चीज की वजह से ये तैयार होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज गिवन. रेडियस इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर. अब देखो हाइट जो है मीटर में गिवन है, तो आइदर वी कैलकुलेट दी वॉल्यूम इन मीटर और इन दी सेंटीमीटर, बट इट्स लाइक एसआई यूनिट में प्रेफर ज्यादा करते हैं. एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट, मीटर ना. तो हम लोग सब चीज को कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में. एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? 100. ओके, 100 होता है, 100. यस ओके, हंड्रेड हाँ. तो इफ वी कैलकुलेट दिस, सो 0.2 मीटर विल बी दी वैल्यू ऑफ द रेडियस इन मीटर. हाइट इज गिवन इन 10 मीटर. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन वन पिलर कैलकुलेट करते हैं वन पिलर के लिए. ओके, व्हाट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, सॉरी पाई स्क्वायर नहीं होता, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, इट मींस दैट अब देखो आप लाइक पाई आर. ओके देखो, आप देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है फैक्टर जो 7 का मल्टीपल हो, तो आई कैन टेक 23.14. ठीक है, एंड आर स्क्वायर इज 0.2, और यू कैन से 20/10. 0.2 का मतलब 20/2/10 ही तो होगा, हाँ जी 2/10 × 10. दिस 10 विल कैंसिल दिस, यस और नो? एंड 5 टाइम्स दिस, सो लेट्स डिवाइड दिस बाय 5 टाइम्स, और यू कैन डिवाइड दिस बाय 4.4 टाइम्स. सो इट विल बी इक्वल्स टू 6, 1, 5 एंड 12. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वन पिलर, 12.56 मीटर क्यूब. सो इट मीन्स दैट हमारे एक पिलर में इतनी वॉल्यूम ऑफ बेसिकली इतनी वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट यूज होगी. क्लियर है? 12.56. क्लियर है सिमरन? यस क्लियर है ना पक्का? श्योर? हाउ डिड 2 बिकम 0.4 ओके, देखो 2 से ये कैंसिल हुआ, 10, 5 टाइम्स हो जाएगा. या एंड 2/5, डिवाइड दिस 2/5, 0.8. ओह या ठीक ओके है, या हाँ. देखो कभी भी आपको डिवीजन ना समझ में आए ऐसे परफॉर्म कर लो आप, बट आप जब अपने माइंड में परफॉर्म करते हुए चलोगे ना साथ में, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी. जैसे मैं भी आपके सामने कर देता हूँ वैसी आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, यस यस ठीक है. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब. जस्ट अ सेकेंड. मैंने ये मिस्टेक तो नहीं की? जस्ट अ सेकेंड. अरे 1 पॉइंट होगा ना, सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक ये हो गई. 1 पॉइंट होगा क्योंकि 3 डेसिमल आएंगे ना. देखो मल्टीप्लिकेशन में हम नंबर ऑफ डेसी जितने भी डेसिमल्स होते हैं उनके बाद वो जितने भी मल्टीप्लाई करने के बाद जितने टोटल डेसिमल होते हैं ना उनको काउंट करते हैं. तो 3 डेसिमल्स हुए हमारे, तो 1.256 होगा. ठीक है,
ये आपका वॉल्यूम ऑफ वन पिलर आ जाएगा। आपके कितने निकालने वॉल्यूम, यू हैव टू कैलकुलेट द 14 वॉल्यूम ऑफ पिलर्स, ओके बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वो बेसिकली 14 इंटू 1.256, क्लियर है। सो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो अभी डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 इंटू 1.256, सो इट इज 17.8584, इट इज इक्वल्स टू 17.584 m³। दैट्स द आंसर। क्लियर सिमरत? Yes. आई होप इट्स क्लियर टू यू डियर। एनी डाउट? श्योर? Yes. पक्का? Yes. चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखता हूं मैं आपका। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन है बेसिकली रमजान मेला के ऊपर है। मे बी एक देखो, ये क्वेश्चन है रमजान, लाइक एक रमजान मेला है, लाइक इन द रमजान। सो बेसिकली हाँ, एक जो फूड स्टॉल्स है वो सिलेंड्रिकल टाइप के फूड स्टॉल्स है, ठीक है, सॉरी फूड स्टॉल्स है, लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ पेस्ट। अच्छा, एक फूड स्टॉल है किसी स्टॉल कीपर के पास, बेसिकली उसके पास जो वेसल्स है वो सिलेंड्रिकल शेप के, और जिनका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और हाइट 32 सेंटीमीटर है, तो 32 सेंटीमीटर है, और जिसमें ऑरेंज जूस फिल्ड है, ठीक है, ऑरेंज जूस इज फिल्ड इन दैट, ओके। सो दिस जूस इज फिल्ड अप, और ये जो जूस है वो बेसिकली फिल किया गया है सिलेंड्रिकल ग्लासेस से। सो ये छोटे छोटे, जैसे कि आप ये समझ लो जग है और ये ग्लासेस हैं आपके, जब आप घर में यूज करते हैं, दैट यूज इन द हाउस, यस और नो, क्लियर है? तो यही चीज जस्ट लाइक अंडरस्टैंड कि एक जग है आपके पास, उसमें छोटे छोटे जो आप कैरी करते हैं ग्लास पीने के लिए नॉर्मली, तो हमें निकालना है बेसिकली उसमें वॉल्यूम निकालना है कि सॉरी वॉल्यूम ऑफ ग्लासेस गिवन है। सो हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। अब देखो क्या है, जूस है ये, ठीक है, उसके बाद ये जग में आपका जूस रखा हुआ है, ये ग्लासेस में आपको इसको पोर करना है। तो इसमें क्वेश्चन है कि एक ग्लास की अगर वैल्यू, एक जग एक ग्लास जूस की वैल्यू इज 15 रुपीज, सो वो इस जग में से कितने ग्लासेस ऑफ जूस निकल जाएंगे, सो दैट उसको कितना अर्निंग हो जाएगा, ठीक है? श्योर? यस जस्ट अ सेकेंड, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन सिमरन। ओके
एनी आंसर सिमरत? नो चलो देखो, कोशिश करो। चलो देखो मैं बताता हूँ। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ जग लेंगे जो वेसल है, क्योंकि देखो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, सो वॉल्यूम ऑफ वेसल्स लेते हैं, आर इज आर डैश लेते हैं, क्योंकि आर रेडियस आर आर लेंगे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, लाइक सेम हो जाएगा तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो आर डैश हम लोग वॉल्यूम ऑफ वेसल ले लेते हैं, विच इज 15 सेंटीमीटर, एंड एच डैश ले लेते हैं हम लोग वेसल की हाइट, विच इज दिस, सो वॉल्यूम ऑफ वेसल कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर एच, आई आर डैश एच, पुट कर दो वैल्यू 15। देखो कुछ भी हियर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैलकुलेट हो सके आपका, बेसिकली 7 का मल्टीपल नहीं, आर स्क्वायर इज 15 × 15 × 32, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपकी वॉल्यूम आ गई। मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा अभी, बिकॉज अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं करूंगा। अब हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लास, विच इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की वैल्यू आपकी यहाँ 3, एच की वैल्यू है आपकी 8 सेंटीमीटर, ठीक है सिमरत, इज दैट दिस करेक्ट ना, दैट्स व्हाट, यस 3.14 × आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 × 3, एच की वैल्यू इज 8, ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो अगर हम इस वन ग्लास को, अगर देखो हमें टोटली वॉल्यूम चाहिए, तो हमें ग्लास को किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो देखो जैसे कि एक बनाना है, अगर मेरे पास 40 रुपये टोटल है, कि मैंने कि 40 के बनाना खरीदे हैं, मेरे पास एक बनाना का कॉस्ट है, तो मुझे किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना इसको, तभी तो मेरे 40 रुपये बनेंगे, यस सो वो नंबर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा वो नंबर, टोटल को वन, उस वन कॉस्ट से डिवाइड करके, अगर हमारे पास वॉल्यूम है टोटल वेसल का, वॉल्यूम है एक ग्लास का, अगर हम दोनों इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें एक नंबर ऑफ ग्लासेस मिल जाएंगे जो कि इस वेसल से निकल सकते हैं, यस और नो, यस यस और नो, यस समझ में आई बात आपको, यस ठीक है, सो नंबर ऑफ ग्लासेस, नंबर ऑफ ग्लासेस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे है, 3.14 × 15, अब देखोगे आप क्यों नहीं कैलकुलेट किया था मैंने, × 32 अपॉन 3.14 × 3 × 3 × 8, 3.14 से 14 कैंसिल हुआ, देखो कोई फायदा था मल्टीप्लाई करने का हमको इसमें, अगर हम इसको नहीं मल्टीप्लाई करके प्रॉपर वैल्यू लेते हमारे लिए और मुश्किल हो जाती, क्योंकि हमें डिवाइड नहीं पता था कौन सा नंबर कहाँ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यस सो इसलिए डायरेक्टली आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करो किसी भी नंबर को, क्योंकि वो बाद में हो सकता है आपको डायरेक्टली आप कैंसिल कर सको, अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चीज आपको नहीं दिख पाएगी, ठीक है, यस और देखो यहाँ पे 3 15 3 टाइम्स 3 5 टाइम्स × 15 सेम इन दिस, एंड 8 4 32 कितना हुआ, ये 25 × 4 100, इट मीन्स 100 ग्लासेस कैन बी, बेसिकली इस वेसल से कितने नंबर ऑफ ग्लासेस बेचे जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ग्लासेस निकल हंड्रेड जाएंगे, 100, हंड्रेड ठीक है, एंड यस एक ग्लास की कॉस्ट कितनी है सिमरत, 15 रुपीज, सो वो कितनी अमाउंट ओके अमाउंट मनी क्रिएट कर लेगा, बेसिकली उसको पैसे मिल जाएंगे, अमाउंट रिसीव्ड और जनरेटेड इज इक्वल्स टू 15 × 100, यानी कि 1500 रुपीज वो क्या करेगा, वो उस पैसे उस जूस से उस वेसल से कमा लेगा, क्लियर है, यस एनी डाउट्स मेरा, नो सर श्योर, यस
चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करो जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन देखो इधर आप। क्यूबॉइड का एरिया क्या, वॉल्यूम क्या होता है सिमरत? व्हाट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? आई डोंट नो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले तो इसमें रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ दी हुई है, तो बेसिकली ये क्यूबॉइड है। आपकी जो पहली एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो टिन है, मतलब बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक को पैक करना है एक टिन के कैन में, और जो बेसिकली एक तो क्यूबॉइड शेप में और एक सिलेंड्रिकल शेप में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंटेनर का कैपेसिटी या वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो इट मीन्स दैट आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा दोनों उस कंटेनर्स का। यस ठीक है, वॉल्यूम कंटेनर्स का कैलकुलेट करोगे आप, तो आप देखोगे कि किसका जिसका भी ज्यादा होगा उस वो बेसिकली उसका ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा कैपेसिटी है। तो आप वॉल्यूम निकालो दोनों उसकी,